चैप्टर फिजिक्स शिक्षा हमारे डिग्री साथ साथ जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स का हम लोग 13th चैप्टर। तो चलिए आगे हम लोग नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के बेस में देखे थे, तो उसी का श्रृंखला अभिक्रिया को हम लोग यहाँ से देखते हैं चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो हमारे पास दिया गया नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, हमारे पास क्या दिया गया नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। तो चलिए इस बीच में हम लोग जानते हैं नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। चलिए हम इस चीज को जानते हैं नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, क्लियर। तो नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला भी किस तरीके से होती है इस चीज को हम लोग जानते हैं। जब यूरेनियम 235U के बेस पे, जब यूरेनियम 235U के बेस पे मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, क्या की जाती है, मंदगामी न्यूट्रॉन की, यहाँ पर मंदगामी न्यूट्रॉन की यहाँ पर क्या की जाती है, बमबारी की जाती है। मंदगामी न्यूट्रॉन की यहाँ पर क्या की जाती है, बमबारी की जाती है। तो उसका विखंडन हो जाता है। तो जब यूरेनियम 235U पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। तो इस विखंडन के स्वरूप इस अभिक्रिया में तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप इस अभिक्रिया में तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं भाई, तीन न्यूट्रॉन यहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर ये क्या करती है, नाभिकों को इस प्रकार विखंडित कर देती है। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर ये न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों को इसी प्रकार विखंडित करते हैं तथा इस प्रकार यह संपूर्ण प्रक्रिया को गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में संपन्न करते हैं तथा एक बार प्रारंभ होने के बाद लगातार तेजी से यह जारी रहती है और यह प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है कि श्रृंखला अभिक्रिया किस तरीके से होती है। तो यहाँ से आप लोगों को बताया जाएगा कि नाभिकीय विखंडन में जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वह यूरेनियम 235U के बेस पे होती है, क्लियर। तो यहां पर जो मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उसका भी खंडन हो जाता है तथा इस अभिक्रिया में तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, पहला अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर, दूसरा न्यूट्रॉन यदि नाभिकों को इसी प्रकार विखंडित करते हैं तो, और तीसरा यह संपूर्ण प्रक्रिया गुरुत्व श्रेणी में संपन्न होती है और एक बार प्रारंभ होने के बाद लगातार तेजी से जारी रहती है और यह प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोगों को पूछा जाता है कि श्रृंखला अभिक्रिया किस तरीके से होती है, नाभिकीय विखंडन में किस तरीके से यह होती है, तो आप लोग इसको नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से इस को वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए आगे इसका कंटेंट को देखते हैं भाई। प्राकृतिक यूरेनियम के दो समस्थानिक हमारे पास होते हैं, देखिए प्राकृतिक यूरेनियम के दो समस्थानिक यहां पर है हमारे पास, देखिए प्राकृतिक यूरेनियम के दो समस्थानिक है हमारे पास, 238 यूरेनियम के बेस पे 92 के बेस पर, 235 यूरेनियम 92 के बेस पे होते हैं, जिसमें से 238 यूरेनियम के 238 की जो मात्रा होती है वह 99.3% तथा 235 यूरेनियम की 235 की मात्रा 0.7 के बेस पे होती है, किसकी बेस होती है, 0.7% की बेस पे होती है। तो यूरेनियम 238 तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से होती है, ये जो यूरेनियम होती है भाई ये 238 तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से ही विखंडित हो जाती है, न्यूट्रॉनों से ही क्या हो जाती है, यह विखंडित हो जाती है तथा यह मंदगामी न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, यह मंदगामी न्यूट्रॉनों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, मंदगामी
न्यूट्रॉनों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके पश्चात यूरेनियम 235 मंदगामी न्यूट्रॉनों से क्या करता है, दोनों के बेस से विखंडित होते हुए चला जाता है आगे की तरफ, दोनों से विखंडित होते हुए चला जाता है। यूरेनियम के दोनों अणु में 92 235 के बेस से 238 के बेस से दोनों में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। तब श्रृंखला अभिक्रिया में बहुत अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तब सेकेंड कंटेंट पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके श्रृंखला अभिक्रिया में, इसके श्रृंखला अभिक्रिया में बहुत अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। बहुत अभी इसके श्रृंखला अभिक्रिया में बहुत सारे अधिक न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अधिक सारे न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन अवशोषित होते हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, तथा कुछ न्यूट्रॉन क्षरण क्रिया के द्वारा अलग कर दिए जाते हैं, तथा कुछ न्यूट्रॉन जो क्षरण क्रिया के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, बाहर किए कर दिए जाते हैं। जैसे कि नाभिक के बेस में दो पार्टिकल्स आपके पास मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है। तो दोनों के जब क्रिया के बेस में जब होती है तो इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वह क्षरण क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर उसको निकाल दिए जाते हैं। तब न्यूट्रॉन के क्षरण की दर में, तब न्यूट्रॉन के क्षरण की दर यूरेनियम के पृष्ठ के अनुक्रमानुपाती होती है, यूरेनियम के पृष्ठ के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। परंतु न्यूट्रॉन द्वारा उत्पन्न होने की दर यूरेनियम की मात्रा अर्थात आयतन के क्या होती है, यह अनुक्रमानुपाती होती है। आयतन की है क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्राकृतिक यूरेनियम के दो समस्थानिक 238U और 235-92 के बेस से हम लोग दोनों चीज़ों को देखते हैं तो यह श्रृंखला अभिक्रिया में बहुत अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा कुछ न्यूट्रॉन क्षरण कर लिए जाते हैं और इसके द्वारा यह बाहर भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की क्षरण की दर यूरेनियम के पृष्ठ के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु यहाँ पर न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की दर यूरेनियम मात्रा अर्थात आयतन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये दोनों तरीके से होती है जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया में बहुत अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन अवशोषित भी कर लिए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्षरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक यूरेनियम के वैसे ये दोनों अणु आपके इसके एक्रोडिंग होता है भाई, तो इस चीज को आप लोग देखिएगा यहां से कि प्राकृतिक यूरेनियम के दो समस्थानिक 238U और 235U के बेस में ये दोनों किस तरीके से होते हैं, यहां पर इस चीज को आगे हम लोग देखते हैं यहां से आगे कंटेंट के बेस पे। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, वास्तव में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया के बेस हम लोग इस चीज को जानते हैं कि वास्तव में नियमित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इस कंटेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में यहां से हम लोग जानते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, चलिए हम लोग यहाँ से जानते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। वास्तव में यह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किस तरीके से होती है, इस बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में यहाँ से हम लोग जानते हैं। चलिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर इस कंटेंट के बारे में यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई, ये किस बारे में होता है या किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्लियर। तो चलिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। हम जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में हम भली भांति ये जानते हैं कि जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, हम यहाँ से हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, क्या अभिक्रिया होती है, जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जो क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यहाँ से क्या होती है, जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यहाँ से जो क्या होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। हम जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया, हम जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में, यहाँ से देखिए, अत्यधिक संख्या में, हम जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में अत्यधिक संख्या में अत्यधिक संख्या में अत्यधिक संख्या में, यहाँ से देखिए, अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, यहाँ से क्या उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, क्लियर। यहाँ से आपके पास क्या उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, क्लियर। यहाँ से न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे हम यह जानते हैं कि, हम जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ, न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ, यहाँ से देखिए, न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ, जैसे कैडमियस के उपयोग में, जैसे कि किसके उपयोग में, कैडमियस के उपयोग द्वारा न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की दर, कैडमियस के उपयोग द्वारा, कैडमियस के उपयोग द्वारा, यहां से देखिए,
कैडमियस के उपयोग द्वारा, कैडमियस के उपयोग द्वारा, यहाँ से देखते हैं ना हम लोग, देखिए कैडमियस के उपयोग द्वारा न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की दर को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की इसकी जो दर होती है भाई, इस दर को नियंत्रित करने वाला होता है भाई, इस दर को क्या करने वाला होता है, नियंत्रित करने वाला होता है। इस दर को नियंत्रित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। श्रृंखला अभिक्रिया देखिए किस तरीके से श्रृंखला के माध्यम से चल रहा है, इस कारण से इसको श्रृंखला के बेस में समझा रहा हूँ आप लोगों को, इस तरीके से इसको श्रृंखला प्रक्रिया को क्या कर दिया जाता है, नियंत्रित किया जा सकता है। श्रृंखला प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे ही इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं, जो कि एक तरीके से होती है। यहाँ से देखिए कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में हम जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं तथा न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ जैसे कैडमियस के उपयोग द्वारा न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की दर को नियंत्रित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बेस पे इसे ही नियंत्रित श्रृंखला के माध्यम से कहा जाता है, इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे जब हम लोग ये जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ जैसे कैडमियस के उपयोग द्वारा न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की दर को नियंत्रित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इसे ही नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को यह पूछा जाता है भाई कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, तब यहां से आप लोग ये बोलोगे कि हम जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ जैसे कि कैडमियस के उपयोग द्वारा न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की दर को नियंत्रित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इसे ही नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे जब हम इन दोनों को मौजूद संख्याओं के बेस पे अभिक्रिया कराते हैं, तो ये दोनों सभी की अभिक्रियाओं के बेस पे किस प्रकार से होते हैं, इस चीज को हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से जानते हैं। तो अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ जैसे कैडमियस के उपयोग द्वारा न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की दर को नियंत्रित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इसे ही नियंत्रित श्रृंखला के अभिक्रिया कहते हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे हम लोग ये जानते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ जैसे कैडमियस के उपयोग द्वारा न्यूट्रॉन उत्पन्न होने की दर को नियंत्रित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इसे ही नियंत्रित श्रृंखला के अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अब इसका आगे के कंटेंट को हम लोग यहां से देखते हैं भाई, इसका आगे का कंटेंट क्या बोलता है, नाभिकीय विखंडन के उपयोग। चलिए अब देखते हैं नाभिकीय विखंडन के उपयोग को, नाभिकीय विखंडन के उपयोग किस तरीके से होती है, इसके बारे में वन बाय वन करके इसके कंटेंट को यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन करते जाते हैं भाई, 1, 2, 3, 4 के माध्यम से। ये किस तरीके से होता है, इसका उपयोग हम लोग और अनुप्रयोग किस दृष्टि से करते हैं इसका, नाभिकीय विखंडन के उपयोग से। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में विमुक्त ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन में विमुक्त ऊर्जा का उपयोग बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा और बड़ी बड़ी रेलगाड़ियों के द्वारा, मोटरगाड़ियों इत्यादि के चलाने में किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन के उपयोग के दृष्टि से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में विमुक्त ऊर्जा का उपयोग बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा मोटरगाड़ियों द्वारा आदि के चलाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो पहला आप लोगों को पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन का उपयोग लिखिए, तो आप लोग लिखोगे कि नाभिकीय विखंडन का विमुक्त ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे बड़ी बड़ी मशीनों को, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियों को और मोटरगाड़ी आदि को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जब पूछा जाता है तो लिखोगे कि विखंडन द्वारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोगी चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में एवं वैज्ञानिक शोध कार्य करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन का उपयोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप तैयार करने में, समस्थानिक तैयार करने में, जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसके बेस पर तैयार किया जाता है, जिनके उपयोग चिकित्सा, कृषि एवं वैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। जब थर्ड पूछता है तो थर्ड उपयोग के बेस में आप लोग क्या लिखोगे कि
इस ऊर्जा के द्वारा सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। इस ऊर्जा के द्वारा क्या पैदा की जा सकती है? सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। तो इस ऊर्जा के द्वारा सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है इस प्रकार नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा, इस प्रकार नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा, देखिए इस प्रकार नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा वर्तमान ईंधन समस्या का, वर्तमान ईंधन समस्या का काफी हद तक सुलझाई जा सकती है, काफी हद तक सुलझाई जा सकती है। तो इस तरीके से हम लोग इसके उपयोग की दृष्टि से अगर इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इस ऊर्जा के द्वारा सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, इस प्रकार नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा वर्तमान ईंधन समस्या काफी हद तक सुलझाई जा सकती है। क्लियर? तो चलिए यहां से देखते हैं फिफ्थ नंबर के बेस पे, फोर्थ नंबर के बेस पे देखते हैं इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम में, नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर्थ नंबर देखिए नाभिकीय रिएक्टर के प्रयोग में, जब भी नाभिकीय रिएक्टर होता है या फिर परमाणु बम के उपयोग में नाभिकीय विखंडन का उपयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे परमाणु बम बनाया जाता है या नाभिकीय रिएक्टर के बेस पे हमको जरूरत पड़ती है तब हम इसको में नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा नाभिकीय विखंडन का उपयोग, जिसके अंतर्गत नाभिकीय विखंडन में विमुक्त ऊर्जा का उपयोग बड़े बड़े मशीनों, रेलगाड़ियों, मोटर गाड़ियों के रूप में करते हैं। दूसरा विखंडन का उपयोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाने में। तीसरा, इस ऊर्जा से सस्ती बिजली प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा वर्तमान ईंधन समस्या को काफी हद तक कम कर दिया जा सकता है, सुझाई जा सकती है। चौथा, नाभिकीय रिएक्टर एवं परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं। दूसरा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है इस चीज को देखते हैं भाई हम लोग। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है इस कंटेंट को चलिए इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। यहां से अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यहां से हम लोग देखते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। वास्तव में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किस तरीके से होती है इस के बारे में हम लोग यहां से डिस्कस करते हैं भाई। ये किस तरीके से होती है, ये किस बेस पे होती है। यदि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से प्राप्त नए न्यूट्रॉन जो संख्या में प्रायः तीन होते हैं वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं, वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं, वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं। अतः विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, अतः विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से प्राप्त नए न्यूट्रॉन जो संख्या में प्रायः तीन होते हैं वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं, अतः विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। तो जब भी हम लोग अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से प्राप्त, अनियंत्रित अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से प्राप्त नए न्यूट्रॉन जो संख्या में प्रायः तीन होते हैं, नए न्यूट्रॉन जो संख्या में प्रायः तीन होते हैं वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं, वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं। अतः विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, अतः विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अनियंत्रित श्रृंखला में अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से प्राप्त नए न्यूट्रॉन जो संख्या में प्रायः तीन होते हैं वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं, अतः विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है, अतः विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से प्राप्त नए न्यूट्रॉन जो संख्या में प्रायः तीन होते हैं वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं, अतः विखंडनों की संख्या बहुत अधिक तेजी रूप से बढ़ती चली जाती है, जो कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे आती है। तो पहला हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया देखे, अभी हम लोग क्या देखे, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया देखे। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से प्राप्त नए न्यूट्रॉन जो संख्या में प्रायः तीन होते हैं वे नए नाभिकों का विखंडन करते हैं, अतः विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिसके बेस पे हम लोग ये चीज को जानते हैं कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में प्रत्येक विखंडन से प्राप्त जो नए ऊर्जा होते हैं वो किस तरीके से विखंडित हो जाते हैं, किस तरीके से नाभिकों के पास आते हैं, जिससे के कारण नाभिक उपस्थित जो न्यूट्रॉन होता है जो कि प्रोटॉन होता है उनके साथ किस तरीके से संलयन अभिक्रिया करते हैं, जिसके नाभिक के बाहर जो उस पर इलेक्ट्रॉन जो कि चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसकी स्थिति किस तरीके से होती है, इसको हम लोग नियमित श्रृंखला बेस पे और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बेस पे इस चीज को हम लोगों ने यहां पर समझा, ठीक है। तो पहला श्रृंखला के बेस पे जो चल रहा था यहां पर अनियंत्रित, इस पे कोई भी नियंत्रण के बेस पे नहीं होता, उसमें नियंत्रित रहता है, एक सिस्टमेटिक चलते रहता है भाई कि यहां पर ये होगा, यहां पर ये होगा, यह ऐसा होगा, बल्कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कहीं पर आकर के यहां पर जो
ज्वाइन हो जा रहा है भाई, क्लियर। तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं भाई, इसके बाद है ऊष्मीय न्यूट्रॉन तथा मंदक। ऊष्मीय न्यूट्रॉन क्या होता है तथा मंदक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहां से जानते हैं भाई। चलिए, तो नया टॉपिक है यह हमारा ऊष्मीय न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, ऊष्मीय न्यूट्रॉन। चलिए, ऊष्मीय न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं। ऊष्मीय न्यूट्रॉन किस बारे में होता है, ऊष्मीय न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए, ऊष्मीय न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ से हम लोग जानते हैं। ऊष्मीय न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, इस चीज को हम लोग यहाँ से करते हैं। देखिए, तो ऊष्मीय न्यूट्रॉन के विखंडन में प्राप्त न्यूट्रॉन, ऊष्मीय न्यूट्रॉन के विखंडन में प्राप्त न्यूट्रॉन, ऊष्मीय विखंडन, ऊष्मीय न्यूट्रॉन के विखंडन में प्राप्त न्यूट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा लगभग 2 इलेक्ट्रॉन, लगभग 2 मेगावोल्ट होती है, 2 मेगावोल्ट होती है। कितना होती है, 2 मेगावोल्ट होती है। इन न्यूट्रॉनों को तीव्र न्यूट्रॉन कहते हैं, इन न्यूट्रॉनों को क्या बोलते हैं, तीव्र न्यूट्रॉन कहते हैं। U235 का नाभिक धीमे न्यूट्रॉनों को, U235 का नाभिक धीमे न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, लेकिन तीव्र न्यूट्रॉनों को नहीं करता, लेकिन तीव्र न्यूट्रॉनों को नहीं करता है। इन न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को मंदक द्वारा, इन न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को मंदक द्वारा लगभग 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किया जाता है। इन्हें ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जब एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है कि ऊष्मीय न्यूट्रॉन क्या होता है, तो उसके बेस पे आप लोग ये बोलते हैं कि ऊष्मीय न्यूट्रॉन के विखंडन में प्राप्त न्यूट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इन न्यूट्रॉनों को तीव्र न्यूट्रॉन कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र न्यूट्रॉन बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग यहां पर तीव्र न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं भाई। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस बेस पे जानते हैं, तीव्र न्यूट्रॉन के बेस पे जानते हैं, जहां पर U235 का नाभिक, U235 का नाभिक धीमे न्यूट्रॉन, नाभिक यहां पर जो होता है भाई वो धीमे इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, धीमे न्यूट्रॉन के बेस पे होता है, किसके बेस पे होता है, धीमे न्यूट्रॉन के बेस पे होता है, धीमे ये आप लोगों के न्यूट्रॉन के बेस पे होता है, ठीक है। यहाँ पर धीमे न्यूट्रॉन के बेस पे होता है। ऊष्मीय न्यूट्रॉन में हम लोग जो तीव्र न्यूट्रॉन होता है उसमें U35 का नाभिक धीमे न्यूट्रॉन के बेस में अवशोषित कर लेता है, किंतु तीव्र न्यूट्रॉनों को नहीं कर सकता है, क्योंकि जो तीव्र गतिक होते हैं, तीव्र गतिक होते हैं, उन चीज को यहां से यह न्यूट्रॉनों को नहीं कर पाता है। इन न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को मंदक द्वारा लगभग 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किया जाता है। इन्हें ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहते हैं, इन्हें ऊष्मीय न्यूट्रॉन के बेस पे कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ऊष्मीय न्यूट्रॉन के बेस पे हम लोग ये चीज को देखते हैं कि ऊष्मीय न्यूट्रॉन के विखंडन में प्राप्त न्यूट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इन न्यूट्रॉनों को तीव्र न्यूट्रॉन कहते हैं। U235 का नाभिक धीमे न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, किंतु तीव्र न्यूट्रॉनों को नहीं कर पाता है। इन न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को मंदक द्वारा लगभग 0.2345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किया जाता है। इन्हें ऊष्मीय न्यूट्रॉन के बेस पे कहा जाता है, इस कारण से इसको ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो यहां पर आप लोग पूछा जाता है कि ऊष्मीय न्यूट्रॉन क्या होता है या मंदक क्या होता है, तो आप लोग इस तरीके से इसका डेफिनेशन को लिखोगे, ऊष्मीय न्यूट्रॉन के विखंडन के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन्होंने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझाने के लिए, इन्होंने नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को, इन्होंने नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार नाभिक के द्रव की बूंद गोलाकार के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी बोला जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन के अनुसार यहाँ पर इस चीज़ को बोला जा रहा है भाई। देखिए, किस चीज़ को बोला जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत सन 1947 में याकोव, फ्रैंकलिन, नील बोहर तथा जॉन ए विलर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव की बूंद पर
इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव की बूंद में गोलाकार के रूप में, द्रव के बूंद के रूप में गोलाकार के रूप में माना जाता है, जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर आपका क्या होता है, धन आवेश होता है। तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत के अनुसार पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाता है, सन 1939 में याकोब फ्रेंकल, नील बोहर तथा जॉन ए विलर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव की बूंदे के गोलाकार के रूप में क्या किया जाता है, माना जाता है, जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर क्या होता है, धन आवेश होता है। अब ये आप लोगों का नाभिक होता है, नाभिक में दो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आप लोगों का प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है, और एक और होता है वो क्या होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जो कि क्या होता है, अनावेशित होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, इसका बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये हो गया आपका प्रोटॉन हो गया। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पे हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि सन 1939 में याकोब फ्रेंकल, नील बोहर तथा जॉन ए विलर ने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव के बूंदों के रूप में मनाया जाता है, जिस पर धन आवेश होता है। तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत सन 1939 में याकोब फ्रेंकल, नील बोहर तथा जॉन ए विलर और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव के बूंदों के रूप में, मतलब गोलाकार के रूप में माना जाता है, जिस पर धन आवेश होता है। तो ये धन आवेश आप लोगों के सन 1939 के बेस में याकोब के बेस ने, याकोब में देखा था, उसके बाद फ्रेंकलिन ने देखा था, फिर नील बोहर ने इसके बारे में आगे भी विवेचना की, इसके बारे में चर्चा की, फिर उसके बाद जॉन ए विलर ने, फिर चारों ने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझने के लिए एक द्रव सिद्धांत, एक द्रव मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव के बूंद के रूप में, गोले के रूप में माना जाता है, जिस पर धन आवेश की मात्रा होती है, जिस पर क्या होती है, धन आवेश का चार्ज होता है। तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत के बेस पे ये सन 1939 में याकोब फ्रेंकल, नील बोहर तथा जॉन ए विलर के नाभिकीय विखंडन के प्रक्रिया को समझाने के लिए क्या हो गई थी, द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने मिलजुल करके इस मॉडल के अनुसार नाभिक के द्रव को बूंदे के रूप में माना जाता है, जिस पर धनावेश होता है। तो ये था हमारा नाभिकीय विखंडन और उसके सिद्धांत। हम लोग यहाँ से देख लिए आप लोगों के पास नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या है। तो इसके आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे नाभिकीय विखंडन के बेस पे, नाभिकीय विखंडन किस तरीके से होता है, जिस तरीके से नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन के बाद में नाभिकीय विखंडन होता है, उसके बाद अणु आता है, नाभिक आता है, फिर अणु आता है, फिर अणु के बाद जो नाभिक आता है वो एक दूसरे से किस तरीके से अटैचमेंट रहते हैं, जैसे जैसे जो अणु होता है भाई, जैसे जैसे जो अणु होता है, अणु के बेस पे वो क्या होता है, जो कि छोटे छोटे परमाणु होते हैं, जो छोटे छोटे परमाणु मिलजुल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, और वही परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिक पर स्थित होता है। और नाभिक पर दो तरीके के कण होते हैं, आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है। और इस बेस पे सन 1943 में याकोब फ्रेंकल, नील बोहर तथा जॉन ए विलर ने एक चीज बताया था कि इसमें जो नाभिकीय विखंडन होगा भाई, ठीक है, वह उसके प्रक्रिया को समझाने के लिए हम लोग एक द्रव